करते हैं आज का वीडियो, जो कि ऐसा वीडियो है जो पार्ट वन ट्वेल्थ सारे बच्चे के लिए अवेलेबल है, सारे बच्चे के एग्जाम के लिए यूजफुल है। और ट्वेल्थ पास करने के बावजूद भी इस टॉपिक में बच्चों का इतना दिक्कत होता है, बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे कॉल्स और ईमेल्स आए हमारे बीच कि इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से बताया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है आज का, जो आपके एग्जाम में बर्निंग क्वेश्चन इससे आ सकता है, वो है आपके लिए डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता क्या है, डिसोल्यूशन बनाने के लिए कौन कौन से अकाउंटिंग प्रोसेस करनी होती है, डिसोल्यूशन कैसे करते हैं और डिसोल्यूशन करने के बाद क्या इम्पैक्ट होता है, ये तमाम बातें जो है बच्चों के बीच में पजल के रूप में फैल रहा है। तो आप लोग के लिए मैं सीए विवेक कुमार एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म तैयार करके लाया हूं, जो कि इस टॉपिक पर आपको एंजॉय करते हुए, बर्निंग टॉपिक को स्माइल करते हुए आप लोग आराम से इसको सीख सकते हैं। तो आप लोग अपना पेन कॉपी जो भी है लेकर के बैठ जाइए और अपने लाइफ का 10 मिनट बस इस वीडियो को दीजिए, जो कि आपके एग्जाम को बदल देगा। और आई एम श्योर कि आप इस वीडियो से इतने प्रभावित होंगे कि आपका जो टॉपिक है रिजोल्यूशन, जिसमें दिक्कत आती है, वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिजोल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों, ट्वेल्थ वाले बच्चे के लिए, पार्ट वन वाले बच्चे के लिए रिजोल्यूशन टॉपिक जब आता है तो उसे सबसे पहला फील होता है कि रिजोल्यूशन बनाने समय किस किस टॉपिक को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाले, कौन कौन टॉपिक हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डाले, बार बार सर से पूछना पड़ता है, सर इसको लेना है इसको नहीं लेना है। तो ये तमाम जो पजल है, तमाम जो क्वेरीज है, उसके लिए बस एक ही सिचुएशन में बस अभी आपके सामने ये आता है और इसको आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करना। बहुत सारे बिजनेस फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कंपनी अकाउंट बिजनेस। कभी न कभी लाइफ में बिजनेस के एक ऐसा मुकाम आता है जहां पर इसको बिजनेस को बंद करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। लेकिन अकाउंटिंग में सारे क्लोज को हम लोग क्लोज नहीं बोल सकते, इसके लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड दिया गया है। ठीक उसी तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस को जब हम लोग बंद करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोजिंग नहीं बोल सकते, उसके लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया गया जिसका नाम होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब हिंदी में आप बोल सकते हो विघटन। विघटन का मतलब होता है जो पार्टनरशिप हम लोग आपस में मिलकर के बनाए थे वो आपस में अब टूट रहा है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ डिसोल्यूशन, व्हेन अ पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व। सबसे पहले हम लोग को कुछ बातों को ध्यान रखना है कि डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, उसमें से सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि क्वेश्चन में कौन कौन से पार्टनर्स हैं, रिजोल्यूशन कब बना है और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है रिजोल्यूशन के केस में, जो बैलेंस शीट के नीचे में जो एडजस्टमेंट दिया होता है उसको खासा ध्यान से पढ़ना है। तो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब आप रिजोल्यूशन का क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, ये रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्या होता है, अभी मैं इस लेटर वीडियो के लेटर पार्ट में इस पर डिस्कस करूंगा। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे बच्चे इसमें बोलते हैं कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या हमको पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, तो मैं इस पर भी आप लोग बच्चों के बीच में बात रखूंगा कि कब पार्टनर्स कैपिटल बनाना हो और कब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना। और तीसरा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सर लोन अकाउंट भी होता है, तो लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद बनाना चाहिए, ये कैश अकाउंट बनाने के बाद बनाना चाहिए। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि आम बच्चों को बहुत ही पजल करते हैं और जिनके चलते उनके एग्जाम अच्छे नहीं जाते। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आप लोग के बीच में, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के एक ऐसा टॉपिक बनाया है जो कि आपके एग्जाम को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप एंजॉय करते हुए दे सकते हैं। एग्जाम्पल, देर आर सो मेनी स्टूडेंट जो कि बाहर से पढ़ने आते हैं, दिल्ली में, पटना में या और भी बड़े बड़े शहर में, और अचानक उनको उनके पेरेंट्स वापस बुला लेते हैं। कभी सोचा है कि
पेरेंट्स किन किन पॉइंट को दिमाग में रख करके आपको वापस बुलाया गया है. सेम काउजेस, लेट्स फोकस फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट काउजेस ऑफ डिसोल्यूशन विद द एग्जांपल. सो जब आपको वापस बुलाया जाता है तो हम लोग आपस में प्रिटेंड करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं. हो सकता है आपके दोस्तों के बीच में आपसे बनी ना हो. दूसरा कारण हो सकता है जो कि बहुत बड़ा इश्यू होता है, हेल्थ इश्यू. हर एक जगह का पानी बच्चे को सूट नहीं कर पाता जिससे उसका हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं और पेरेंट्स अल्टीमेटली उनको कॉल बैक कर लेते हैं कि बच्चा सही से रहेगा नहीं तो क्या सही से पढ़ेगा. दूसरा और कारण होता है कि डिस्प्यूट हो जाते हैं. बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स बच्चे को पैसे भेज देते हैं लेकिन वो बच्चे गलत ट्रैक पर चले जाने के कारण पैसे को मिसयूटिलाइज कर देते हैं जिससे वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं. तो जिस तरीके से ये कारण है बच्चे को वापस बुलाने का, सेम कारण आपके लिए आ रहा है डिसोल्यूशन का. डिसोल्यूशन का मतलब जी, यहाँ पर हो सकता है कि बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ जिसके कारण से बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है. दूसरा कारण हो सकता है कि पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर डिसॉल्व हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है. चौथा कारण हो सकता है कि आपस में पार्टनर का मिसकम्युनिकेशन हो गया है, म्यूचुअल डिस्प्यूट अराइज हो रहा है. तो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व. तो हम लोग अभी समझ में आ गया है कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के मेन कारण क्या है. आपस में पार्टनर्स का बना नहीं. दूसरा आपका हो सकता है समय सीमा समाप्त हो गया है. तीसरा आपका हो सकता है कि डिस्प्यूट हो चुका है. चौथा हो सकता है कि आप पार्टनर में से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है. और पांचवा हो सकता है जो कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि चार पांच पार्टनर में से एक पार्टनर का डेथ हो जाता है. तो इन सर्कमस्टेंसेस में आपका डिसोल्यूशन का बिजनेस बंद हो सकता है. होता है तो सबसे पहले डिसोल्यूशन का जो भी बैलेंस शीट में एसेट है उसको रियलाइज किया जाता है और रियलाइज करने के बाद उसके लायबिलिटीज को पे किया जाता है. मेक श्योर वेदर क्वेश्चन डिमांड और नॉट यू हैव टू पे योर लायबिलिटीज, क्योंकि अच्छे लोगों की पहचान होती है अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ करना. जाते वक्त ये कोई भी काम अगर खत्म हो रहा है तो मेक श्योर कि आपकी लायबिलिटीज भी खत्म होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने एसेट को रियलाइज कर लिया और लायबिलिटीज को पे नहीं किया. ये नहीं होना चाहिए. लायबिलिटीज को आपको पे करना ही होगा. अगर क्वेश्चन बोलता है तो भी और नहीं बोले तब भी एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू पे आवर लायबिलिटी. इसके बाद हम लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला एक और बात बच्चे के माइंड में आता है कि सर बैलेंस शीट से कौन कौन सा डेटा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा. तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये टॉपिक, ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में हो, लायबिलिटी साइड में हो या कहीं भी हो, इसको रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय नोट कर लीजिए. इसको ट्रांसफर नहीं करना है, मींस नहीं करना. सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय ट्रांसफर नहीं होगा. नंबर दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस. अब ये रिजर्व एंड सरप्लस में वेरियस टाइप ऑफ रिजर्व आ सकते हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वैरायटी ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस है जो कि आ सकते हैं, उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय नहीं ट्रांसफर करना है. तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चौथा पार्टनर्स करंट अकाउंट. मेक श्योर दोस्त ये जो हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है मे भी आपके लायबिलिटी साइड में भी हो सकते हैं, एसेट साइड में भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि लायबिलिटी साइड वाले को ट्रांसफर नहीं करना है लेकिन एसेट साइड वाले को ट्रांसफर करना है. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कहीं भी लिखा हुआ हो, चाहे वो लायबिलिटी साइड में चाहे वो एसेट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय ट्रांसफर नहीं होगा. एक और दोस्तों पॉइंट है जो कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है लोन. अब ये लोन में भी वैरायटी ऑफ लोन होते हैं. एक होता है पार्टनर्स लोन, एक होता है मिसेस पार्टनर्स लोन, एक होता है लोन, एक होता है बैंक लोन. बच्चे सारे लोन्स को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं. है तो सारे लोन्स ही, एक लोन को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरा लोन क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ.
तो इस तरह के टॉपिक भी आपके बीच में आ सकते हैं। तो मैं इस तरह के टॉपिक पर कैसे आप पकड़ बनाओगे मैं बता रहा हूँ। पार्टनर्स लोन को छोड़ करके मेक्स योर दोस्तों क्वेश्चन जब पढ़िएगा आप लोग उसमें से सबसे पहला फोकस करना है वेयर इज पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन को छोड़ करके जितने भी वैरायटी के लोन हैं, चाहे आपने उसका नाम सुना हो चाहे आपने उसका नाम ना सुना हो, जैसे बैंक लोन, जैसे सेल्फ लोन, रिलेटिव लोन, मिसेस पार्टनर्स लोन, ये सारे लोन्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे क्योंकि ये पार्टनर्स से रिलेटेड। और बच्चों एक और बात जो आती है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में एसेट साइड में सस्पेंस अकाउंट भी रहता है, में पहले से लॉसेस भी रहते हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट भी रहते हैं, ये सब देख करके बच्चे और भी भयभीत हो जाते हैं कि सारे क्वेश्चन में तो ये था ही नहीं, अचानक ये कहां से आ गया। मैं बता रहा हूं दोस्तों ये सबसे घबराने की बात नहीं है, ये सब भी एक तरह का आपको इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय ये भी ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। तो क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय कौन कौन सा टॉपिक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपके बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज में मिलता है वो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, चाहे वो लायबिलिटीज साइड में हो चाहे वो एसेट साइड में हो। दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट, चाहे वो लायबिलिटी साइड में हो चाहे वो एसेट साइड में हो। तीसरा रिजर्व एंड सरप्लस, चाहे वो लायबिलिटी साइड में हो या एसेट साइड में हो। नंबर चौथा पार्टनर्स लोन, वो भी ट्रांसफर नहीं होंगे। और नंबर पांचवा एनी सस्पेंस एक्सपेंडिचर प्रिलिमिनरी लॉसेस आर नॉट लायबल टू ट्रांसफर योर रियल। फ्रेंड्स आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय किन किन बातों को जो ध्यान में रखना था वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट की जो पोस्टिंग्स होती है बहुत ही सिंपल है। इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ कि पूरे रियलाइजेशन में दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है टू और एक है बार। जो डेटा इंफॉर्मेशन एक टाइम में टू हो चुका है वो उसका अगला डेफिनेशन, उसका अगला डेस्टिनेशन, उसका अगली पोस्टिंग कहीं भी हो लेकिन वो बाय साइड में होगा। और एक बार अगर कोई डेटा बाय साइड में पोस्टिंग हो चुका है तो उसका इंफॉर्मेशन, उसका इंपैक्ट किसी और लेजर में पड़ेगा तो केबल और केबल टू साइड में पड़ेगा, इसके अलावा सेम साइड में नहीं हो सकता। और अगर आपने सेम साइड में खरीदा है तो दोस्तों ये आपके मिस्टेक है। तो इस छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखें। और इसी के साथ आज का ये रियलाइजेशन का वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी रियलाइजेशन का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके जो मन में छोटे छोटे जो डाउट्स आ रहे थे वो बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे। आप इसी तरह से मेरे सुकृष्णा विनय विवेक चैनल से जुड़े रहिए और मैं बहुत ही जल्द डिसोल्यूशन पार्ट टू लेकर के आऊंगा, जहां पर बच्चों के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फंड, जेएलपी और जेएलपी फंड जैसे बर्निंग टॉपिक पर भी डिस्कशन करूंगा जो कि बच्चे को और डराते हैं। तो तब तक के लिए मैं सीए विवेक कुमार आप लोग से अलविदा लेता हूं, थैंक यू बोलता हूं कि अपना प्रीसियस कीमती समय हमारे इस चैनल को दिए हैं। और मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जाते जाते कि जो जिन्होंने अभी तक हमारे सुकृष्णा विनय विवेक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट अपडेट योर सेल्फ एंड बेल आइकन को बजाना ना भूले, जो कि सबसे पहले आपके पास सुकृष्णा विनय विवेक का जो भी लेटेस्ट टॉपिक आएगा उसके आपको नोटिफिकेशन आपको भेज देगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने प्रीसियस कमेंट हमारे बीच भेजते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।